আবারও শহরে জাঁকিয়ে ঠান্ডা। কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 17 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে এক ধাক্কায় নামলো 15.1 ডিগ্রি সেলসিয়াসে, যা ফেব্রুয়ারির এই সময় স্বাভাবিক তাপমাত্রা থেকে 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, আগামী 96 ঘন্টায় তাপমাত্রার পারদ আরও অনেকটা নেমে 12 বা 11 ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছতে পারে। উত্তরাখণ্ডের চামোলিতে হিমবাহ ভেঙে তুষারধসে বিপর্যয়ের পর জোর কদমে চলছে উদ্ধার কাজ। তপোবনের ধুলিগঙ্গা থেকে বেশ কয়েকটি দেহ উদ্ধার হয়েছে। সেনা ও বায়ুসেনা ছাড়াও উদ্ধার কাজে নেমেছে আইটিবিপি ও জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। অন্তত 150 জন নিখোঁজ বলে দাবি স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে। উত্তরাখণ্ডে এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় নিয়ে মাথাচাড়া দিয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। বিজেপি নেত্রী উমা ভারতীর দাবি, তিনি অনেক আগেই উত্তরাখণ্ডে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন, অথচ তার কথা কেউ শোনেনি। উত্তরাখণ্ডে বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে এক বার্তায় রাষ্ট্রপুঞ্জ জানিয়েছে, তারা উদ্ধার কাজে যে কোনো রকম সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব। গতকাল সকালে যোশী মঠের কাছে নন্দাদেবী হিমবাহ ভেঙে তুষার আর কাদাগোলা জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে একাধিক গ্রাম। ক্ষতিগ্রস্ত তপোবন বিষ্ণুগড় জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের বাঁধ। এই প্রকল্পে কর্মরত বেশ কয়েকজন শ্রমিকের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। पर ग्लेशियर फटा और तबाही मच गई। उस छोर से महज 6 किलोमीटर पहले तपोवन विष्णुगढ़ विद्युत परियोजना, ये वो एनटीपीसी की ये वो परियोजना है जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। अभी भी सैकड़ों मजदूर यहां जो काम कर रहे थे लापता है, टनल में फंसे हुए हैं। आप देख सकते हैं जो बैराज है उसके ऊपर भी आपको मलबा नजर आ रहा है। उससे साफ है कि जो पानी था यहां पर, जो सैलाब था, वो बैराज के ऊपर से बह रहा था। और ये बैराज जो आपको नजर आ रहा है करीब 30 से 35 मीटर का नजर आ रहा है, जबकि पहले 60 से 70 मीटर नजर आता था। करीब 30-35 मीटर की मिट्टी भर गई है, यानी कि अंदाजा लगा सकते हैं जो सैलाब यहां से गुजर रहा था वो करीब पानी के ओरिजिनल लेवल से 100 से 150 मीटर ऊपर बह रहा था। जो कुछ उसके सामने आया उसको अपनी आगोश में लिया, तांडव करते हुए पानी का सैलाब आगे बढ़ता चला गया। और आगे टनल थी, टनल में मजदूर काम कर रहे थे, पानी भरा, मलबा उसके अंदर भरा और सभी मजदूर अंदर फंसे रह गए। बेहद भयावह मंजर। आईटीबीपी के जो जवान हैं टनल को खाली करने में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक उन मजदूरों का नहीं पता चल पाया। 16 मजदूर निकाले जा चुके हैं। एक बार फिर मैं आपको इधर दिखा दूं, विद्युत परियोजना से ऊपर जो आपको पहाड़ नजर आ रहे होंगे सफेद बर्फ वाले, ये वही पहाड़ है जहां से ये ग्लेशियर जो था वो फूटा, नीचे जो गंगा है उसके अंदर गिरा, धौल गंगा के अंदर, और उसके बाद जो पानी का सैलाब था यूं सब कुछ तबाह करता हुआ आगे बढ़ा और इस बैराज के ऊपर से सैलाब बहता हुआ सब कुछ तबाह करता हुआ आगे बढ़ता चला गया। और सबसे ज्यादा नुकसान इसी विद्युत परियोजना को हुआ है। आईटीबीपी ने कल 16 लोगों को यहां से सुरक्षित बाहर निकाला है, लेकिन अभी भी सैकड़ों मजदूर हैं जो कि टनल के अंदर फंसे हुए बताए जा रहे हैं। वो टनल जिसको साफ करने में आईटीबीपी का भी कहना है कि करीब हफ्ता 10 दिन का समय लग सकता है। प्रवीण दीक्षित के साथ वरुण जैन, तपोवन, एबीपी न्यूज, उत्तराखंड।